जबलपुर की सिहोरा तहसील कोर्ट के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे एक अधिवक्ता सूर्यभान सिंह को सरेआम दो बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी जिसके बाद गंभीर घायल हालत में सिहोरा से जबलपुर के निजी अस्पताल रेफर किया गया जहां उनका ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। फिलहाल अधिवक्ता की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बता रही है। वहीं अधिवक्ताओं ने ऐलान किया कि यदि हमलावर आज नहीं पकड़े गए तो वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस इसे पुरानी रंजिश के एंगल से देख रही है लेकिन अधिवक्ताओं का गुस्सा इसके बाद सातवें आसमान पर है और उन्होंने जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो फिर आंदोलन की बात कही गई है। ये जाता था कोर्ट पेशी में तो ये दो राजेश राजकिशोर और सुशील ठाकुर राहुल ठाकुर ये हमारे लड़के के वहाँ कोर्ट के बाहर इन लोगों ने चेक कर गोली मारी और हमारे लड़के अब जी हमारे लड़के अकेला था यहाँ बाहर तो कोई नहीं है हमारे यहाँ। इसके बावजूद उन्होंने जानते बूझते हुए घृणित कार्य किया। इस घृणित कार्य की हम घोर निंदा करते हैं और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हम पुलिस से निवेदन करेंगे और कल की डेट में हम एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर नहीं बनता है तो हम कल न्यायालय की ओर से विरत भी रहेंगे।